हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको, अगर 10 फीट लंबी और 10 फीट ऊंची दीवार है और 9 इंची उसकी मोटी चिनाई करनी है तो कितना इसमें ईंट लगेगा, कितना बालू लगेगा और कितना सीमेंट लगेगा, ये सब इस वीडियो में हम बताएंगे। जैसा कि देख सकते हैं, 9 इंची जो चौड़ी दीवार है उसको हम पहले फिट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो फिट में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे तो 0.75 फिट आ जाएगा। तो ये हमारा लेंथ विड्थ एंड हाइट आ गया। तो दीवार का आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का हमको यूज करना होगा। तो लंबाई 10 फीट था, चौड़ाई जो थी वो 9 इंची को 0.75 में हमने बदल दिया फीट में, इनटू हाइट 10 फीट, तो 75 क्यूबिक फीट आ गया, ठीक है। ये दीवार का आयतन आया। अब हमें क्या करना होगा, एक ईंट का आयतन निकालना होगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से ये भी निकलेगा। लंबाई जो होती है 9 इंची की दीवार ईंट होती है, 4.5 इंची चौड़ी होती है और 3 इंची हाइट होती है। तो 0.069 CFT आ गया एक ईंट का आयतन। लेकिन ये विदाउट मोर्टार है, हमको मोर्टार के साथ आयतन चाहिए। तो उसको निकालने के लिए हमको आधा आधा इंची सभी डायमेंशन में ऐड कर देना होगा। तो जैसे कि 9 इंची लंबी जो ईंट थी उस पर 0.5 इंची ऐड कर दिया गया, इसी तरह से सब में आधा आधा इंची बढ़ा दिया गया और तब जाके आयतन जब निकाला गया एक ईंट का तो 0.089 CFT आया, ठीक है। अब हमने पूरी दीवार का आयतन एक ईंट का आयतन प्राप्त कर लिया, जो कि ईंटों की संख्या प्राप्त करने के लिए बहुत है, ठीक है। अब ईंटों का ईंटों का नंबर निकालने के लिए कुल जो ईंटों का मतलब दीवार के आयतन था उससे डिवाइड कर देंगे एक ईंट का आयतन। तो 75 क्यूबिक फीट दीवार का आयतन था, ईंट का आयतन था 0.089, तो 842 नंबर हमको ईंट प्राप्त हुआ, ठीक है। 842 नंबर ईंट में हमारा काम हो जाएगा। अब कन्वर्ट कर देते हैं 75 क्यूबिक फीट को हम क्यूबिक मीटर में, तो 2.12 क्यूबिक मीटर आ जाएगा 35.31 से डिवाइड करके, ठीक है। अब दीवारों में ईंटों की संख्या 842 प्राप्त हुई है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, विदाउट मोर्टार जो है हमारी जो क्वांटिटी थी ईट की वो थी 0.069 CFT, उसको हमने क्यूबिक मीटर में बदला तो 0.019 क्यूबिक मीटर आया गया। अब मोर्टार निकालने के लिए टोटल जो MQ आया था 2.12, ठीक है, उसमें माइनस कर देंगे एक ईट का वॉल्यूम इंटू 842 ईट है तो 1.59 MQ आ जाएगा। तो 2.12 में 1.59 माइनस करेंगे तो 0.53 क्यूबिक मीटर जो है हमारा इतना मोर्टार लगा। अब इसमें सीमेंट सैंड दोनों है तो सीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 0.53 MQ जो आया उसमें रेशियो आप सीमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशियो, 1:6 में हमारी ब्रिकवर्क हुई है तो 0.075 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। 1444 इसका डेंसिटी होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 kg आ जाएगा और 50 से डिवाइड करेंगे तो बैग आ जाएगा। तो 2.16 बैग सीमेंट लगेगा। अब सेंट निकालने के लिए वही सेम करना है, 0.53 जो वॉल्यूम था उसका रेशियो ऑफ सीमेंट, सीमेंट रेशियो 6 है, रेशियो ऑफ सैंड तो 6 से मल्टीप्लाई करके सम ऑफ रेशियो 7 से डिवाइड कर देंगे तो 0.45 क्यूबिक मीटर सैंड लगेगा। जिसे CFT में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, 35.31 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 15.88 CFT आ जाएगा।